कन्नड़ अभिनेता संचारी विजय का निधन एक्सीडेंट के बाद में कोमा में थे। नमस्कार, मैं हूं मुदित और आप देख रहे हैं तथ्य दर्पण। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता और कन्नड़ अभिनेता संचारी विजय का सोमवार को बेंगलोर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। 38 वर्षीय अभिनेता संचारी विजय का कल शनिवार रात एक्सीडेंट हो गया था। ब्रेन ब्लीड को रोकने के लिए संचारी विजय को अस्पताल में तत्कालीन भर्ती कराया गया, लेकिन सोमवार को उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। वह सर्जरी के बाद कोमा में चले गए थे, जिनके बाद उनके परिवार वालों ने उनके अंग दान करने का फैसला किया। उनके भाई सिद्धींश ने कहा है कि ब्रेन स्टीम ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए हमने उनके अंग दान करने का फैसला किया है। विजय हमेशा से ही समाज की सेवा में अपना विश्वास करते थे, जिसे हम उनके अंग दान करके पूरा कर रहे हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक दुर्घटना के वक्त अभिनेता विजय एक दोस्त के साथ बाइक पर सवार थे। गीली सड़क पर बाइक फिसलकर बिजली के खंभे से टकरा गई। विजय के सिर पर गंभीर चोट लगी और उन्हें पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया। संचारी विजय का अंगदान करने के फैसले पर परिवार वालों ने मीडिया को बताया कि डॉक्टरों ने हमें सूचित किया है कि उनका ब्रेन स्टीम फेल हो गया है और उनके दोबारा जीवित होने की संभावना नहीं है। जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि उन्होंने हमेशा से ही समाज की बेहतरी के लिए काम किए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान राहत प्रयासों पर 24 घंटे काम किया है, इसीलिए हमने उनके अंग दान करने का फैसला किया है। हमें विश्वास है कि इससे उन्हें शांति मिलेगी। वह मरते हुए भी समाज की मदद करेंगे, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी।